विलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरे वेख है एक समाना इस परपंच मह साचे नाम की बढ़ियाई मत को धरै गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर मह समाना एह वाणी जो जिया है जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाऊ चह जुगा का हुन निबेड़ा नर मनुखा नो इक निधाना जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कल मह कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देख वेद पुराणा गुरमुख जिन्नी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे सिव प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सभे सुख पावे मानत पह निधाना हे जिज्ञासु देख लो पूर्ण परमेश्वर जी ने पूर्ण ही जगत परपंच बनाया है और वही सब में समाया हुआ है। इस जगत परपंच में सत्य नाम की ही कीर्ति है, अतः मन में किसी प्रकार का घमंड मत करो। जिसे सद्गुरु की मत आ जाती है वह उसमें लीन हुआ रहता है। जो इस वाणी को अपने मन में श्रद्धा पूर्वक जान लेता है उसके अंतर मन में हरि नाम स्थित हो जाता है। रहाऊ चहु युगों का अब यही निष्कर्ष है कि मनुष्यों के लिए एक नाम ही अमूल्य भंडार है। सतयुग त्रेता एवं द्वापर उन युगों में ब्रह्मचार्य संयम तथा तीर्थ स्नान ही धर्म था, परंतु कल युग में हरि नाम की कीर्ति करना ही विशेष धर्म है। प्रत्येक युग में अपना अपना भिन्न धर्म है। चाहे वेदों एवं पुराणों का अध्ययन करके देख लो, जिन्होंने गुरु के माध्यम से हरि का मनन किया है वे जगत में पूर्ण और स्वीकार हो गए हैं। नानक जी का कथन है कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा जी से प्रीति लगाता है उसके मन का अभिमान समाप्त हो जाता है। नाम को सुनने एवं मुंह से जपने वाले सभी सुख हासिल करते हैं, परंतु निष्ठा पूर्वक मनन करने वाले गुणों के भंडार को ही पा लेते हैं। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हाउ तिन बलि हारे जिन्ने हर मन बसाए हर जन कौ मिलिया सुख पाइये हर गुण गावे सहज सुभाए रहाऊ सदा रंग राते तेरे चाए हर जीव आप बसे मन आए आपे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज घर वासा हर गुण गाए रंग चलूले हर रस भाए एह रंग कदे ना उतरे साच समाए अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलाया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा। गुरु की आज्ञा द्वारा भगवान जी जिसे अपनी प्रीति लगा देते हैं उसके हृदय घर में आनंद पैदा हो जाता है और गुरु के शब्द द्वारा वह सुंदर बन जाता है। उसकी सत्संगी रूपी नारियां आकर मंगल गान करती हैं और वह अपने प्रियतम प्रभु से मिलकर सदैव सुख हासिल करता है। मैं उन पर सदा बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने हरि को अपने मन में बसा लिया है। भक्त को मिलकर बड़ा सुख प्राप्त होता है जो सहज स्वभाव भगवान जी का गुणगान करने में ही मगन रहता है। रहाऊ हे श्री हरि तुझे मिलने के चाव में भक्त तेरे ही रंग में लीन रहते हैं।
पर तू स्वयं उनके मन में आकर निवास कर लेता है। ऐसे भक्तजन स्वयं सदैव शोभा हासिल करते हैं। फिर भगवान जी उन्हें गुरु के संपर्क में मिलाकर अपने साथ मिला लेते हैं। गुरुमुख शब्द में रंगकर लीन रहते हैं और भगवान जी का यशोगान करने से उनका आत्म स्वरूप में निवास हो जाता है। वे परमात्मा के प्रेम रूपी गहरे लाल रंग में अनुरक्त रहते हैं और उन्हें तो हरि रस ही भाता है। यह प्रेम रूपी रंग कभी भी नहीं उतरता और वह सत्य में ही वलीन हुए रहते हैं। उनके अंतर मन में शब्द के निवास से अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया है। सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से मेरा प्रियतम प्रभु मिल गया है। जो सत्य में लीन रहते हैं उनका पुनः जन्म मरण का चक्कर नहीं पड़ता। हे नानक, मेरा गुरु पूर्ण है जो प्रभु का नाम मन में बसाता है। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते बड़े आई पाई, अचिंत नाम बसया मन आई। हम में माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते शोभा पाई। जगदीश सेवउ मैं अंबर ना काजा, अन दिन आनंद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगौ तेरा नाम निवाजा, रहाऊ मन की प्रतीत मन ते पाई। पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेखे। बहुड़ न मरे न जम पेखे, घर ही मह सब कोठ निधान। सतगुर दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहज ध्यान। अन दिन गावे इको नाम, इस जुग मह बड़े आई पाई। पूरे गुरते नाम ध्याई, जह देखा तह रहया समाई। सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया। अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया। नानक तिरसन बुझी मन तन सुख पाया। जब पूर्ण गुरु से बड़ियाई मिली तो परमात्मा जी का नाम मन में आकर स्थित हो गया। मैंने माया रूपी अह तत्व को शब्द द्वारा जला दिया है और गुरु द्वारा सत्य के दरबार में बड़ी शोभा हासिल हुई है। अब मैं ईश्वर की उपासना करता रहता हूँ एवं मुझे अन्य कोई कार्य नहीं है। हे प्रभु, मैं तेरा नाम ही मांगता हूँ, क्योंकि मेरे मन में हर समय आनंद ही आनंद बना रहे। रहाऊ मैंने तुझ में मन की श्रद्धा मन से ही हासिल की है और पूर्ण गुरु द्वारा शब्द की सूझ मिली है। जो व्यक्ति जीवन मृत्यु को एक समान समझ लेता है, फिर वह बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और ना ही यम को देखता है। हृदय घर में अनेक प्रकार के करोड़ों ही खजाने हैं। जब गुरु ने मुझे यह खजाने दिखाए तो मेरा अभिमान दूर हो गया। अब सदैव ही परमात्मा में ध्यान लगा रहता है। मैं रात दिन भगवान जी का नाम का ही गुणगान करता रहता हूँ। पूर्ण गुरु द्वारा परमात्मा जी के नाम का ध्यान करने से संसार में ख्याति मिलती है। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर ही परमात्मा जी समाये हुए हैं। उस सदैव सुखदाता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पूर्ण भाग्य से पूर्ण गुरु को पा लिया है। उसने अंतर मन में ही नाम रूपी निधि के दर्शन करा दिए हैं। हे नानक, गुरु का शब्द मुझे अत्यंत मीठा लगा है, जिससे सारी तृष्णा बुझ गई है और मन एवं तन को सुख हासिल हो गया है।